हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर बेटा? हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है अच्छे से? चलिए ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू क्या है बेटा? सेकंड लेक्चर है, और फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, आप लोगों ने उसको देखा होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा उसको क्वेश्चन, वो वीडियो देख लें, ताकि उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, अच्छे तो सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोहत, फरहान, आनंद, एंजिला एंड सभी लोग आ रहे हैं फटाफट। ठीक है, तो सभी लोगों को गुड गुड आफ्टरनून बेटा। तो हम लोग एमसीक्यू प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू प्रॉब्लम पे, जो भी एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है कि इफ एक्स इंटू टेन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइंस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री, देन एक्स क्या होगा? एक्स की वैल्यू बेटा बताना है। और ऑप्शन में ए ऑप्शन गिवन है, दैट इज 1, एंड बी ऑप्शन गिवन है, दैट इज √3, एंड सी ऑप्शन 1/2, एंड डी ऑप्शन इज 1/√2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपसे बस ये चेक करना चाहता है कि आपको टेन 45 डिग्री की वैल्यू याद है या नहीं, कॉस 60 या साइंस 60 या कॉट 60। ठीक है, तो इन वैल्यू को जो भी आपने फंडामेंटल वैल्यू को लर्न किया है, डायरेक्ट आपको वैल्यू को पुट अप करना है। और फिर यहाँ पे बेटा एक्स गिवन है, क्योंकि ये 45 है। ठीक है, तो हम लोग इस पे सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक्स इंटू टेन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइंस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वैल्यू गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को पुटअप करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होती है सर। तो एक्स इंटू टेन 45, इसके प्लेस पे हमने 1 को पुटअप करा, इसके प्लेस पे क्या पुटअप करा बेटा, 1। अच्छा, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है सर? कॉस 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है। यस आर नो? इक्वल टू का साइन लगाया, और साइन 60 √3/2 है। और यहाँ पे कॉट 60, अगर कॉट 60 की वैल्यू नहीं याद है, तो कॉट जो थीटा है वो टेन थीटा का रिवर्स है, मतलब टेन 60 √3 होता है, तो कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होगी। यस आर नो? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, बोलो बेटा। इतनी सी बातें क्लियर हो गई ना, कंफर्म है? ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू को पुटअप कर दिया। ओके, अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 × 1 मतलब x/2 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा क्या है, 1/2 है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप कई सारी चीजें कर सकते हो, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये आपका आ गया 1, मतलब 1 आ गया x की वैल्यू। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ओके कर दे रहा हूँ बेटा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
आपका बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा गिवन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन है इफ एक्स और ये इंटू है टेन 45 इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 60 डिग्री, देन एक्स इज, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको जो भी टेबल से जो वैल्यू आपको बताई गई थी वो वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, उन वैल्यू को यहाँ पे आपको पुटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ से उन वैल्यू को पुटअप करना है, मतलब x इंटू टेन 45 की वैल्यू 1 पुटअप कर दिया बेटा, एंड cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, एंड cot 60 की वैल्यू 1/√3। फिर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से मैंने कर लिया, √3 से √3 कैंसिल, RHS में 1/2 आया, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 1 जा 1 मतलब x/2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = 2 आ जाएगा, तो x = 2/2 = 1। क्लियर हुई बात कि नहीं बेटा? यस आर नो, कंफर्म हो गया ना? बोलो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब जैसे जो भी टेबल से जो भी वैल्यू है, साइन 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी तो रब कर दिया गया है, ठीक है, उसको वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है sec a प्लस का tan a, ब्रेकेट क्लोज 1 माइनस का साइन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन में ए ऑप्शन क्या गिवेन है, दैट इज sec a, बी ऑप्शन गिवेन है दैट इज साइन a, एंड सी ऑप्शन गिवेन है दैट इज cos sec a, और डी ऑप्शन बेटा गिवेन है दैट इज कॉस ए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ये आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लोवेस्ट फॉर्म में क्या आएगा वो हमको ऑप्शन को देख करके टिक करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है, हमको आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है हम लोग उसको नॉर्मली क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या गिवन है, सेक ए प्लस का टेन ए, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। अब देखो ये 1 माइनस साइन है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है सब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए एंड कॉस ए, ठीक है। तो आपने कहा सर देखो यहाँ पे सेक ए है, यहाँ पे टेन है, तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। sec a इक्वल टू 1/cos a होता है। अच्छा tan a किसका रेशियो होता है, tan a सर sin a अपॉन cos a का रेशियो होता है, ठीक है। ये वैल्यू मैंने पुट अप किया, अच्छा जो ये सेकेंड ब्रैकेट में इसको एज इट इज मैंने ऐसे कॉपी कर दिया, या सर नो, एज इट इज मैंने ऐसे कॉपी कर दिया। अब बेटा देखो यहाँ से cos a मैंने क्या लिया, इन दोनों में जो विद इन फर्स्ट ब्रैकेट है इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, मतलब 1/cos a है, और यहाँ पे भी साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो कॉस ए हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन ए आ जाएगा, यस आर नो, 1 प्लस का साइन ए, 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए, तो आपको क्या याद आ रहा होगा कि सर अगर कुछ ऐसा होता है ए माइनस बी या ए प्लस बी, तो कुल मिलाकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये अपान में तो 1 है, कोई बात नहीं, तो ये न्यूमरेटर में 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए, 1 माइनस का साइन ए अपॉन क्या होगा, दैट इज का कॉस ए हो जाएगा। अब 1 प्लस का साइन ए है, 1 माइनस का साइन ए है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब बेटा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर ए होगा अपॉन में कॉस ए होगा, यस आर नो, ये होगा कि नहीं होगा,
वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये वन का स्क्वायर तो वन रहेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर भाई ऐसे हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और आपने सबसे पहली आइडेंटिटी तो यही पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहां से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या जाएगा बेटा, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा पुटअप कर सकते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर ए पुटअप कर सकते हैं अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस ए। तो यहां से बेटा क्या जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन क्या होगा, कॉस ए। तो यहां से क्या होगा, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट इज कॉस ए, मतलब कॉस ए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यस और नो बेटा, बात क्लियर है कि नहीं, कंफर्म है, बोलो, बात समझ में आ गई ना, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो बस हमको प्रॉब्लम को तोड़ते हुए सॉल्व करते चले जाना है, फिर हमारे लास्ट में जो भी ऑप्शन मैच करेगा हम लोग वहां पे टिक कर देंगे। ठीक है, कंफर्म हो गई बात? चलिए, तो इतनी सी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एस ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर एंड एंड ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री, तो आपसे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेटा वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहाँ से क्या करना है, ये एक हमारे पास ट्रिको का क्वेश्चन है, तो इसमें ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर दे रखा है एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, एंड ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा, सेकेंड हो गई। अब देखो समझना क्या है यहाँ पे कि इसमें स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया गया होगा, क्योंकि देखो एक्चुअल में यहाँ पे इस प्रॉब्लम में थीटा को इलिमिनेट करना है, मतलब थीटा को हटाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर, वन इक्वेशन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वन का स्क्वायर एडिंग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, वन का स्क्वायर प्लस का टू का स्क्वायर, हाँ या ना, वन का स्क्वायर प्लस का टू का स्क्वायर मैंने कर दिया भाई। अब देखो स्क्वायर करने का मतलब ये है ना बेटा, यहाँ पे अब होल स्क्वायर यूज होगा। ठीक है, तो जैसे ये स्क्वायर करके ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं आरएचएस का बताता हूँ। आपने कहा सर फोर का स्क्वायर प्लस का थ्री का स्क्वायर, आरएचएस में देखो फोर का स्क्वायर हो गया प्लस का थ्री का स्क्वायर, एलएचएस में क्या है, ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यस आर नो, इतनी बात समझ में आ गई ना?
अब देखो आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइड में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हाँ है ना, होता है कि नहीं होता है? अब इतनी सी बातें हमको क्लियर हो कि हाँ अच्छा ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड 2ab, मतलब 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो बेटा, ये हमने इस वाले टर्म को एक्सपेंड कर दिया तो ये आया। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बताओ तो पहले। बोलो इतनी सी बातें क्लियर हो गई ना, कंफर्म है? इतनी सी बातें क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। और देखो ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, हमने इन दोनों टर्म का स्क्वायर कर दिया। और जैसे ही मैंने स्क्वायर करा, ठीक है, उसके बाद फिर आरएचएस में क्या लिखा था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो कुल मिलाकर के 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा देखो यहाँ से क्या खास बात है, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एंड 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो देखो ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है और ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है, इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दैट इज का 25। बोलो बेटा, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और ऐसा नहीं कि इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको ये काम करते जाना है। तो इन दोनों में जो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा बेटा, इन दोनों में हमने कॉमन क्या लिया, ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यस आर नो? और यहाँ पे इन दोनों में मैंने कॉमन क्या लिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। इज इक्वल टू क्या, 25। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू 1 और बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस आर नो? ठीक है, तो ये हमारा इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, यस आर नो? तो देखो अगर मान लो अब मैंने इतना कैलकुलेशन करा है, अब बस आप ये फॉर्मेट याद रखिएगा, ए कॉस बी साइन थीटा दे रखा है 4, या एक वैल्यू दे रखी होगी, और ए साइन माइनस का बी कॉस थीटा इक्वल टू एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू दिया होगा, और आपसे हमेशा क्या पूछा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू दे रखी है आरएचएस में, जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो, वही आपका आंसर होगा। फॉर्मेट याद रखिए, एक बार डेटा चेंज हो सकता है बस, और कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हमको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है और वहाँ से एक मतलब उस क्वेश्चन से जो निष्कर्ष निकलता है कि हाँ हम इसको डायरेक्टली आंसर पे हम लोग कैसे पहुँचते हैं, जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो या अदर चैप्टर्स हो, तो हमको आंसर तक हम लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, क्या कोई इसका शॉर्टकट हो सकता है, या हम लोग क्या ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं अभी बस डेटा चेंज कर देता हूँ, आप लोग खुद बताएंगे कि हाँ सर ऐसे तुरंत हो जाएगा। देखो यहाँ से ये यह आपने इतना नोट कर लिया होगा, मैं बस डेटा चेंज कर दे रहा हूँ बेटा। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया 12। बोलो, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5। समझो बेटा बात को, ऑप्शन में हमने क्या दे दिया, फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन में बेटा मैंने क्या दे दिया, 169, बी क्या दे दिया, 144, सी क्या दे दिया, 25, डी क्या दे दिया, नन। अब आप तुरंत बता ले जाओगे, आप तुरंत बता ले जाओगे ना। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको ए कॉस बी साइन इज इक्वल टू दे रखा है, ए साइन बी कॉस इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है, आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस का
5 का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 दैट इज 169, तो वो टिक कर दो 169, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस और नो बेटा, क्लियर है ना? ठीक है, तो चीजों को मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं शॉर्टकट का कोई तरीका होगा, किसी बुक में लिखा होगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये जैसे मैं बता दे रहा हूँ तो आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि अभी मान लो वो एक अप्रोच डेवलप करना है, ठीक है, एमसीक्यू के पर्पज से, कि जो भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, 4 लाइन में, 5 लाइन में, तो इसको क्या कोई शॉर्टकट ऐसा है कि हम डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सकें, ठीक है? तो इस अप्रोच को आपको डेवलप करना है। ओके, क्लियर है कि नहीं? अब देखो कितना इजी हो गया, हम लोगों ने इसके पहले इसको कितना सॉल्व किया था, अभी हमारे लिए कितना इजी हो गया, हुआ कि नहीं? 12 का स्क्वायर किया 144 आ गया, और 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25, ऐड किया 169 आ गया, खत्म, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो वो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है? जैसे इफ कॉसेक कॉसेक ए प्लस बी कितना दे रखा है बेटा, 1, किसी भी एंगल की बात कर सकता है, सेक ए माइनस बी कितना दे रखा है, 2, ठीक है? तो आपसे कहते हैं देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड ए एंड बी। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए ऑप्शन इज ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है? एंड बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है? ओके, एंड सी ऑप्शन क्या है, ए इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू दैट इज 75 डिग्री। डी ऑप्शन क्या है आपका, कैन नॉट डिटरमिन, सी एंड डी कर नॉट डिटर्मिनेंट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब ये एक क्वेश्चन नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक से काट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उसमें से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी पे बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये कॉसेक ए प्लस का बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, हाँ है ना? तो आप देखो यहाँ पे जैसे एलएचएस में हमारे पास क्या है, कॉसेक ए प्लस बी है, और आरएचएस में हमारे पास क्या है, 1 है। तो आपने कहा भाई एलएचएस में हमारे पास कॉसेक ए है और आरएचएस में 1 है, तो किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू 1 होगी? आपने दिमाग लगाया कि यार कॉसेक में किसकी किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो तुरंत स्ट्राइक किया कि अच्छा हाँ, कॉसेक 90 की वैल्यू 1 होती है। किसकी वैल्यू होती है, अगर एलएचएस में कॉसेक है तो हमको क्या करना है कि आरचेस में किस पर्टिकुलर कॉसेक की वैल्यू 1 होती है, तो कॉसेक 90 होता है, यस आर नो? तो कॉसेक 90 होता है, तो कॉसेक कॉसेक रिड्यूस हो जाएगा, तो ए प्लस बी कितना आएगा बेटा, 90 आएगा, ए प्लस बी कितना आएगा, 90, यस आर नो? सेकेंड वाला यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक, तो सेक में क्या दे रखा है, ए माइनस का बी इज इक्वल टू 2। अब सेक ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 और आरचेस में जो वैल्यू लिखी है ये किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू लिखी होगी? आपने सोचा कि अच्छा सेक में किसकी वैल्यू होती है, अच्छा कॉस 60 होता है 1/2, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसका मतलब ये आपकी जो वैल्यू है ये सेक कितनी है, ये सेक 60 डिग्री की वैल्यू है, सेक 60 डिग्री, यहाँ पे क्या जाएगा, सेक ए माइनस का बी, यस आर नो? मतलब कॉसेक 60 1/2, तो सेक 60 क्या होगा, 2, क्योंकि यहाँ पे सेक का रिवर्स ही क्या है बेटा, कॉसेक है, हाँ या ना? सेक का रिवर्स क्या है बेटा, दैट इज कॉसेक है, बात समझ में कि नहीं? अब देखो यहां से क्या होगा, ये जिस तरह से यहाँ पे ये कॉसेक कॉसेक रिड्यूस हो गया, वैसे यहाँ पे भी ये ए माइनस का बी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ए और बी इन दोनों को सॉल्व करना है, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रखा है, तो इनको सॉल्व करना है, ठीक है? या फिर आप देखो ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ इक्वेशन बन जाती हैं तो
सॉल्व भी कर सकते हो या ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो कि दो एंगल को ऐड करने पे 90 मिलना चाहिए और ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करने पे 60 मिलना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर दे रहा होगा? ठीक है, तो आपने कहा सर ये ए वाला ऑप्शन इसको फुलफिल कर दे रहा होगा, क्योंकि देखो 75 में 15 जोड़ोगे, 75 प्लस का 15 90 आ जाएगा, 75 माइनस का 15 60 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर चीज को मतलब सॉल्व ही किया जाएगा, ये चीज बहुत ही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ एक एक स्टेप हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा हमको आंसर तक का पहुंचना है, और हमारे सामने आंसर भी दिया हुआ है तो हम लोग आंसर को सेटिस्फाई करा करके हम लोग वहां पे टिक कर देंगे, ऑप्शन को टिक कर देंगे, यस और नो। ठीक है, तो अगर चाहोगे तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि दो एंगल का सम और कोई यहाँ पे कुछ देगा ही नहीं। ठीक है, यस और नो बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? दो एंगल का सम कितना होगा? 90 अकॉर्डिंग सिचुएशन, तो 75 प्लस 15 90 हो गया, और ए माइनस का बी, ए माइनस का बी कितना होगा? 60 होगा, तो यहाँ पे 75 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 15, तो ये 60 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात? कंफर्म? चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, मतलब मेथड तो पता होना चाहिए, बट ये है कि हमको बहुत ही फास्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ हिट एंड ट्रायल से सोच करके वहां पे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समझिएगा। इफ टेन क्यूब थीटा माइनस वन, ठीक है, टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या है? ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी टेन थीटा, देन ए प्लस बी बताना। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ए प्लस बी क्वेश्चन मार्क, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 0 एंड डी ऑप्शन माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस आर नो। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करना क्या है कि देखो एक्चुअल में आरएचएस में क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, आरएचएस में ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, हाँ है ना? तो एलएचएस में तो टेन के फॉर्म में दे रखा है, मतलब कुल मिला करके एलएचएस में ना तो सेक है, और हाँ टेन तो है लेकिन सेक स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करोगे आरएचएस में, मतलब आप ऐसी कैलकुलेशन करोगे कि एलएचएस को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर आप कंपेयर करके इक्वेट करके आप वहां से ए और बी की वैल्यू निकालोगे, फिर उसका सम कर लोगे। तो ये अप्रोच डेवलप करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स लग रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करना होगा बेटा, टेन क्यूब थीटा माइनस का वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी टेन थीटा। ओके, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी टेन थीटा। अब देखो ये अगर क्यूब है तो यहाँ पे मैंने वन का क्यूब कर लिया, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा फॉर्मूला होता है, मतलब ए माइनस का बी एंड ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, हाँ है ना भाई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड प्लस का ए बी, होता है कि नहीं होता है? तो अब इसका मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टेन थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा प्लस का वन प्लस का टेन थीटा। आपने सीधे सीधा बेटा फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में मैंने वैल्यू को पुटअप किया, और जैसे फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप किया तो क्या आ जा रहा है? ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी टेन थीटा, इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, हुआ इससे कैंसिल हुआ। अच्छा, अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी हमको बस सोचना है कि हाँ इसको हम कैसे कन्वर्ट करके कंपेयर करें, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी टेन थीटा। आपने कहा सर टेन तो आ गया लेकिन ये सेक थीटा नहीं है, तो सेक थीटा और टेन में एक रिलेशन होता है,
सेक स्क्वायर थीटा और टेन में एक रिलेशन होता है, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा पुटअप कर देंगे, तो ये सेक स्क्वायर थीटा जाएगा और प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी टेन थीटा। तो आप देखो ए की वैल्यू क्या है, कंपेयर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशियंट ए है, यहाँ पे क्या है वन है, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, वन आ जाएगा। और टेन के पहले बी लिखा है, यहाँ पे टेन के पहले कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे वन बी लिया जाएगा, तो ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा था कि ए प्लस बी क्या होगा, मतलब ए की वैल्यू ए एन प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, तो वन प्लस वन क्या आएगा, टू आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के टू आएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यस आर नो, क्लियर है बात बेटा, बोलो बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करके कि हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ट्रिगो पढ़ रहे हो तो अल्जेब्रिक जो भी आइडेंटिटीज हैं उसका यूज नहीं हो सकता है, यूज हो सकता है, क्वेश्चन बन रहा है तो कहीं पे भी किसी का भी यूज हो सकता है, ठीक है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं चैप्टर, तो ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई टू, टेन थीटा इक्वल टू थ्री बाई टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री साइन थीटा प्लस का टू कॉस थीटा अपॉन थ्री साइन थीटा माइनस का टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में क्या दे रखा है, थर्टीन अपॉन फाइव वन अपॉन टू, थर्टीन अपॉन नाइन एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा सेट हुआ है तो आपको बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा, मैं इसका बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करना है, टेन थीटा दे रखा है थ्री बाई टू, टेन थीटा क्या दे रखा है थ्री बाई टू, ये कुछ भी दे सकता है, थ्री बाई टू हो सकता है, फोर बाई फाइव हो सकता है, मतलब फाइव बाई फोर हो सकता है, ठीक है, या ट्वेल्व अपॉन थ्री हो सकता है, ये यहाँ पे वैल्यू ए अपॉन बी दे सकता है, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और आपसे जब भी पूछेगा वो साइन और कॉस का ये चीज पूछेगा, ये दिमाग में रखिएगा, टेन में इंफॉर्मेशन गिवेन होगी वो कुछ साइन और कॉस में ही पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अगर ऐसा कुछ दिया होता है तो हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे जो टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा क्या है थ्री बाई टू है, तो टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है थ्री बाई टू, ओके। टेन थीटा क्या है साइन अपॉन कॉस का रेशियो, तो जो साइन ऊपर से यहाँ लिखा हुआ है साइन, साइन इज इक्वल टू क्या ले लेंगे थ्री, और कॉस इज इक्वल टू क्या ले लेंगे टू, ठीक है। मतलब साइन इज इक्वल टू ऊपर से ऊपर का कंपेयर कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू टू, जहां भी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है हम लोग फटाक से इसको लिखेंगे, मतलब थ्री साइन थीटा प्लस का टू कॉस थीटा अपॉन थ्री साइन थीटा माइनस का टू कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री इंटू साइन थीटा थ्री, और टू इंटू कॉस थीटा टू, अपॉन थ्री इंटू थ्री एंड टू इंटू टू, तो थ्री का स्क्वायर नाइन और टू का स्क्वायर, सॉरी थ्री थ्री या नाइन, टू टू या फोर, अपॉन थ्री थ्री या नाइन, टू टू या फोर, नाइन प्लस का फोर थर्टीन आ जाएगा, नाइन माइनस का फोर क्या आएगा, नाइन माइनस का फोर, अच्छा नाइन माइनस का फोर आ जाएगा आपका फाइव आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज आपका नाइन, थर्टीन अपॉन फाइव, हाँ ठीक है, तो थर्टीन अपॉन फाइव आ गए, नाइन माइनस का फोर क्या आ गया फाइव आ गया, तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यस आर नो, ठीक है। अब इसको ट्रेंगल मेथड से हम लोग नहीं करेंगे, लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस आर नो, कंफर्म हो गया बेटा बात,
ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दे सकता है, टैन में ही दिया होगा और हमेशा क्वेश्चन साइन और कॉस में ही पूछेगा, तो वो इजी रहेगा, वो हम लोग 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया है, चलो अच्छा जनरल लिख लो यहाँ पे, यहाँ ए कर दिया बेटा मैंने, यहाँ पे बी कर दिया। आपसे पूछा क्या है, ए साइन थीटा, ए बी और ए यहाँ पे बी। ठीक है, ऑप्शन भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, लेट मत करिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2b² एंड बी ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सी ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन सी सॉरी अपॉन बी हो जाएगा, और डी क्या होगा, नन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो, बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए फटाफट। अभी मैंने बता दिया टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने क्या कहा, टाइम नहीं लगना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर नहीं हो पा रही है। टेन थीटा क्या दे रखा है, सॉरी ए अपॉन बी दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन माइनस का बी कॉस। ठीक है, चलिए चले के यहाँ से फटाफट, तो ए साइन थीटा एंड प्लस का बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा एंड माइनस का बी कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से टेन थीटा हमको क्या दे रखा है, टेन थीटा इक्वल टू बेटा क्या दे रखा है, ए अपॉन बी, यस आर नो। अच्छा मैंने क्या बताया, टेन थीटा किसका रेशियो होता है, टेन थीटा जो है साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है कि नहीं, तो आपने कहा सर हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो फॉर आंसर के मैंने कहा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी, और न्यूमरेटर में साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ए। तो जहां पे साइन थीटा दिख रहा है हम लोग वहां पे ए पुट अप कर देंगे, कॉस थीटा के प्लेस पे बी, ए इंटू ए एंड कॉस थीटा के प्लेस पे बी, तो ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यस आर नो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बी ही आंसर होगा। ओके, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस आर नो, बात समझ में आ गई ना। चलो इतनी अच्छी बातें क्लियर हो गई, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इफ, और इस पैटर्न को भी इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, इफ कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन, मतलब कह रहे हैं 9 थीटा लेस देन 90 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इनकी कंडीशन को फुलफिल करना है, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ टेन 6 थीटा, 60 नहीं लिखा हुआ है, 6 थीटा। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 1/√3, बी ऑप्शन रूट थ्री, सी ऑप्शन 1/√3, और भी निगेटिव का डी ऑप्शन क्या है आपका, 1 है। ठीक है, समझिएगा बात को। अब देखो बेटा क्या है कि LHS में कॉस है और यहाँ पे साइन है, आपको मैं फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताई थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो फिर भी बता दे रहा हूँ, साइन यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे कॉट बीटा दे रखा होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा दे रखा होगा, या सेक अल्फा इज इक्वल टू कॉस सेक बीटा दे रखा होगा, तो इन थ्री सिचुएशंस में ऑलवेज अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, कन्फर्म है, ज़्यादा बस आपको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 होगा।
एलएचएस में इक्वल के राइट या लेफ्ट में, यहाँ पे टेन कॉट साइन या कॉस, यहाँ पे सेक या कॉसेक। तो आपको क्या करना है कि जब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो जो एंगल है उनका सम 90 के इक्वल सॉल्व करना है, खत्म कहानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, कॉस 8 थीटा है, बिल्कुल सही भाई, कॉस 8 थीटा है इज इक्वल टू साइन थीटा है। तो ये कॉस है, ये साइन है, यहाँ पे एंगल में 8 है, यहाँ पे थीटा है, तो 8 थीटा प्लस का थीटा इक्वल टू क्या सॉल्व करेंगे, 90। ठीक है, तो यहाँ पे 9 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, अपॉन 9, 9 टेंजा, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। आपसे थीटा ही पूछ सकता था लेकिन उन्होंने जानबूझ करके थीटा नहीं पूछा है, क्या पूछा है, टेन 6 थीटा। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, टेन 6 थीटा, तो साइन टेन 6 थीटा मतलब टेन 6 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ से आ जाएगा टेन 60 डिग्री, और टेन 60 क्या होता है, रूट 3 बाई, सॉरी टेन 60 क्या होता है, रूट 3 होता है, यस आर नो भाई, टेन 60 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। आप क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है तो मतलब यहाँ से ऐसा नहीं कि सॉल्व करने की जरूरत है, आप ऐसे भी माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, अच्छा ये 8 है, ये थीटा है, 9 थीटा इक्वल टू 90, देन थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, और टेन 60 रूट 3, खत्म, बी ऑप्शन तुरंत टिक कर दोगे, यस आर नो बेटा, क्लियर है बात की नहीं, जल्दी से बता दो फटाफट बोलो। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने ये 1, 2, 3 क्वेश्चन बता दिया मैंने, तो कहीं पे भी यहाँ पे जैसे कॉस और साइन दे रखा है, कहीं पे आपको टेन या कॉट मिलेगा और कहीं पे आपको सेक या कॉसेक मिलेगा, तो वहां पे हमको क्या करना है, इन दोनों एंगल को ऐड करके 90 के इक्वल सॉल्व करना है, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बोलो बेटा कन्फर्म, यस आर नो, क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन क्या है, कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू पहला ऑप्शन 2 साइन स्क्वायर a प्लस का 1, बी ऑप्शन 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, सी ऑप्शन 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, एंड डी ऑप्शन 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो क्या कर रहे होगे, जहां पे प्रॉब्लम में पावर 4 है, प्रॉब्लम में क्या है, पावर 4 है, कॉस की पावर 4a माइनस का साइन की पावर 4a, तो आप यहाँ पे दो 2 टर्म्स हैं, और मिडिल में जब भी माइनस साइन आता है तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी स्ट्राइक करती है कि यहाँ कुछ ऐसा यूज हो सकता है। तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर मैंने किया यहाँ पे, और साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर मैंने किया, ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे ही इस फॉर्म में मैंने इस प्रॉब्लम को ब्रेक किया, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी फॉर्मूला यूज हो गया, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए विदिन वन ब्रैकेट एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए सेकेंड ब्रैकेट। और जैसे ही मैंने ये लिखा, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट अप किया, और जैसे ही मैंने ये लिखा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी दैट इज 1, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतफाक से अब ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो नहीं है, है बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे साइन और कॉस में, मतलब अब प्रॉब्लम को हमको कन्वर्ट करना है साइन या कॉस के फॉर्म में, तो आपके पास दो रास्ते हैं, साइन स्क्वायर ए को आप चेंज कर सकते हो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, यस आर नो, या कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे आप चेंज कर सकते हो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, कॉस को अगर मैं चेंज कर लूँ या साइन को चेंज कर लूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, साइन को चेंज किया, क्योंकि देखो साइन का कहीं पे भी कोफिशियंट नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा लॉजिक भी सोचना है। ठीक है, तो हमने लिखा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और जैसे ही 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिखा, ये ब्रैकेट ओपन होकर के ये माइनस का है, प्लस का आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए,
माइनस का वन, तो मतलब ये है कि आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसको साइन में चेंज करते तो आता वन माइनस का टू साइन स्क्वायर ए आता। ठीक है, मैंने साइन में जानबूझ के इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि साइन का कोफिशियंट यहाँ पे निगेटिव, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी निगेटिव नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसी कॉस में ही चेंज किया। यस और नो, क्लियर है बेटा बात, कंफर्म? यस और नो बेटा, ओके, क्लियर हो गए ना? ठीक है, तो हम लोग यहां से क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, या कभी कभी देखो हिट एंड ट्रायल में, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग 45 लेंगे तो सभी ऑप्शन यहाँ पे 0 आ सकते हैं। ठीक है, तो 45 नहीं ले सकते हैं, अगर अदर वैल्यू लेकर के अगर चेक करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, तो अब यहाँ पे कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 आपका होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर होता है 3, जब 9/8 आ जाएगा। ठीक है, 9/8 आ जाएगा, यहाँ पे 1/8, मतलब कुल मिलाकर के ये आपको बचेगा 8/8, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन मतलब आपका 1 दे रहा होगा, तो मतलब कुल मिलाकर के आपको सिंप्लीफाई करना है। और मान लो अगर कुछ आप अपने आप से वैल्यू को पुटअप करके यहाँ पे चेक करते हो, उसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन मैच कर जाता है, तब भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिगो की एक लेक्चर और लेंगे, फिर इसमें सारे एक लेक्चर लेकर के जो भी कुछ टाइप बचे हुए हैं उनको भी करा करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, जो प्रोसेस होता है, फिर जो आंसर आता है, फिर हम लोग को एक बार सोचते हैं कि हाँ इस आंसर तक पहुंचने के लिए क्या कुछ हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्मेट बना सकते हैं, वही उसका शॉर्टकट होता है। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू।